हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो मैं हूँ अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड आपको पता ही है, हम लोग आज फिर से एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। सो इस बार मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेके आई हूँ आप बच्चों के लिए। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने ज्योग्राफी एंड सिविक्स का वन शॉट रिवीजन बहुत ही अच्छे से, ईजी तरीके से कवर कर लिया था। आज के क्लास में हम पावर्टी एज ए चैलेंज इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। अगेन बहुत ही रेलेवेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर हम पावर्टी की बात करें, गरीबी की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हमें सडनली रिसेंटली पता चला है कि गरीबी हमारे लिए एक चैलेंज है। नहीं, इनफैक्ट आज़ादी से भी बहुत पहले से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि इंडिया में ये एक दिक्कत है, गरीबी एक दिक्कत है, हमें जैसे तैसे इसे सॉल्व करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया में कोई इतना मेजर इशू है कि हम इतने लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो एज गुड स्टूडेंट्स, एज गुड सिटीजन्स, हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारे इंडिया में गरीबी एक दिक्कत क्यों है, और अगर है तो हम कैसे इस दिक्कत को फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो पावर्टी एज ए चैलेंज आज वन शॉट रिवीजन है। जब तक ये लेक्चर फिनिश होगा आप बच्चों को, ठीक है, सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पर आगे बढ़ने से पहले, आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे, सो मैं हूँ अनुष्या मैम एंड सोशल साइंस आप लोग फिलहाल मेरे साथ कवर कर रहे हो। प्रीवियसली हम लोग ज्योग्राफी एंड सिविक्स के वन शॉट रिवीजन को कर चुके हैं, आज इकोनॉमिक्स के वन शॉट रिवीजन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो जब भी हम गरीबी की बात करते हैं ना, तो कुछ मेजर डाउट्स होते हैं जो कि मुझे पता है आप स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, मेरे दिमाग में भी रहते थे जब मैं आप बच्चों के एज की ही थी। जैसे पॉइंट वन, आप बच्चों को लगता होगा कि अगर गरीबी इतना बड़ा इशू है तो हम लोग नोट को प्रिंट करना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, है ना। नोट बनाना तो गवर्नमेंट का ही काम है, तो गवर्नमेंट सबको एक प्रिंटिंग मशीन क्यों नहीं दे देती और हम सब अपने मर्जी से नोट को प्रिंट करना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। तो अगर हम ऐसा करेंगे सबके हाथ में पैसा पहुंच जाएगा, तो ये लगता होगा आप बच्चों को, है ना। तो ये मैं आपका पहले मैं ये डाउट सॉल्व कर लेती हूँ कि गरीबी को मिटाने के लिए हम लोग नोट को प्रिंट क्यों नहीं कर सकते। इसे हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो मान लो हम लोग गए मार्केट में और मार्केट में हमें एक पेन दिखा, ठीक है, और हमने पूछा शॉपकीपर से कि बताओ इस पेन का क्या रेट है। तो उन्होंने बोला कि ये पेन जो है ₹20 का है, ठीक है, पर ये पेन मतलब बहुत ही बढ़िया पेन है, बहुत स्मूथ चलता है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वालिटी का पेन है। आपको भी पेन पसंद आ गया, मुझे भी लगा कि ये पेन बढ़िया है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैं बोलती हूँ कि नहीं 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 ये पेन मुझे खरीदने दो, मैं 20 की जगह ₹40 देने के लिए तैयार हूँ। तो आप क्या कहोगे कि 40 तो बहुत ही कम नंबर है, मैं तो घर पर पैसे प्रिंट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आप अपने घर पर जाओगे, आप क्या करोगे, ₹100 प्रिंट करके आओगे और कहोगे कि अब ये पेन मुझे दे दो, मैं ₹100 देने के लिए तैयार हूँ। तो अब प्रिंटिंग मशीन तो मेरे घर में भी होगी, मैं भी जाऊँगी अपने घर में और मैं पैसों को प्रिंट करके आऊँगी और मैं कहूँगी नहीं, अब मेरे पास ₹1000 हैं, ये पेन मैं ₹1000 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो यही ऐसे हमारा कॉम्पिटिशन चलता रहेगा और क्या होगा, ये जो पेन है फालतू में इस पेन का प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, सो एक पेन जो कि ओरिजिनली सिर्फ ₹20 में बिक रहा था, अब वो 1000 तक पहुंच गया है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हम सबके पास कोई प्रिंटिंग मशीन हो, हम लोग पैसों को प्रिंट करने लगे, तो एक दिक्कत क्या आएगी, मार्केट में हर एक चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा हिस्ट्री में देखा भी है कि जर्मनी में तो ऐसा हुआ भी है, जर्मनी के लोगों ने गुस्से में वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में बहुत सारे पैसों को प्रिंट कर लिए थे। एंड फिर पता है क्या होता था, जब वो मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते थे उनको बहुत सूट केसेस भर के पैसे ले जाने पड़ते थे, इतनी महंगाई वहाँ पे बढ़ गई थी, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि अगर हम पैसों को प्रिंट करने लगे तो मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड फिर कोई वैल्यू नहीं है, हमारा जो करेंसी है उसका वैल्यू कम होने लगेगा। तो इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं करते, हम प्रिंट नहीं करते पैसों को। नेक्स्ट, आप बच्चों के दिमाग में एक और डाउट चल रहा होगा कि चलो हम सारे लोग एक प्रिंटिंग मशीन रख के प्रिंट नहीं कर सकते पैसों को, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको हमने पैसे बांट दिए, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर आपको लग रहा है आपके सामने दो गरीब लोग हैं, आप उनको बहुत सारे पैसे दे दो
उनकी गरीबी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस सिनेरियो को भी हम बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपना थियोरेटिकल पार्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लो दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, और दोनों गरीब हैं और आपको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए, और आपने क्या करा, आपने ए को ₹100 दे दिया और बी को भी ₹100 दे दिया। ठीक है, आपको लगा कि चलो कुछ तो हेल्प करें, कुछ तो इनको मदद मिलेगी, तो आपने ए को 100 दिया, बी को भी 100 दे दिया। ठीक है, अब ए ने क्या करा, ए को लगा कि हाँ ₹100 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए ने ₹100 को सेव कर लिया, ठीक है, बचा के रखा। बी ने क्या करा, जैसे ही बी को ₹100 मिले, बी क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं और ₹100 को खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना ये एक एग्जाम्पल है। आई नो अब आप बोलोगे कि ₹100 में मैम कैसे बहुत सारा सामान वगैरह खरीद लिया, एग्जाम्पल चल रहा है। तो बी ने क्या करा, तभी के तभी पैसों को खर्च कर दिया। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो उसका मतलब गरीबी हट गई, नहीं। ठीक है, तो ये दो डाउट्स आप बच्चों के दिमाग में होंगे कि गरीबी को तो हम इन दो तरीकों से हटा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, इतना ईजी नहीं है, वरना हम लोग बहुत पहले कर चुके होते। सो अब आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल गया है कि ये जो चैलेंज है गरीबी एज अ प्रॉब्लम इंडिया के लिए, ठीक है, बहुत ही एक मेजर इशू है। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि पावर्टी इज ऑल अराउंड अस। ठीक है, एज इंडियंस हमने देखा है कि गरीबी हमारे आसपास है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी जाओ रस्ते में निकलो, ठीक है, जब आप स्कूल जाते हो या मार्केट जाते हो, तो जाओ और रस्ते में ऐसे रुक जाओ और अपने आसपास देखो, आपको अपने आसपास डेफिनेटली ऐसा कुछ दिख जाएगा जिसे देखकर आपको अचानक से लगेगा कि यार इंडिया में गरीबी तो है। ठीक है, हो सकता है आपको मे बी बेगर्स दिख जाए, हो सकता है मे बी आपको कोई स्लम एरिया दिख जाए, हो सकता है आपको छोटे से हट्स दिख जाए, तो हो सकता है कुछ भी आपको दिख सकता है, पर हाँ डेफिनेटली आपको रियलाइज होगा कि इंडिया में गरीबी है। चाहे आप बहुत बड़े शहर में रहते हो या विलेज में रहते हो, कभी जाओ घर के बाहर निकलो, रस्ते में रुको और आसपास देखो। सो पावर्टी इज ऑल अराउंड अस। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया में हमने एक बार डेटा निकाला था, तो ऐसा हम मानते हैं कि इंडिया में हर चौथा इंसान, ठीक है, हर फोर्थ इंसान गरीब है। ठीक है, इंडिया के बारे में एक और चीज याद रखो बेटा, इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ही लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर हमारे कंट्री में है। ठीक है, तो पावर्टी हमारे इंडिया में सही में है। ठीक है, तो हमने 2011 और 12 के बीच में एक डेटा निकाला, तब हमने देखा कि रफली कुछ 270 मिलियन जो लोग हैं इंडिया के, वो पावर्टी में फंसे हुए हैं। ठीक है, वो गरीब हैं, वो गरीबी में फंसे हुए हैं। और गरीब होने का मतलब पता है, सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, गरीबी के और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है ये। जैसे फॉर एग्जांपल, जो गरीब लोग हैं ना बेटा, अक्सर वो लोग हेल्पलेस फील करते हैं। हेल्पलेस मतलब उनको लगता है कि सोसाइटी में बाकी सारे लोगों की सुनी जा रही है, बस मेरी सुनी नहीं जा रही। ठीक है, कोई मुझे हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, एक ऐसी फीलिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, किसी भी एरिया में ये लोग जाए, इनको इल ट्रीट किया जाता है, इनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी खेत में काम करते हैं, किसी फार्म में काम करते हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं कोई काम करने के लिए, हॉस्पिटल जाते हैं कोई ट्रीटमेंट करने के लिए, या चाहे वो रेलवे स्टेशन जाएं, ठीक है, टिकट बुक करने के लिए या रेलवे स्टेशन जाए, इन सारे एरियाज में इनको इल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर इनकी जगह कोई रिच आदमी जाता है, रिच पर्सन जाता है, उनको लोग अचानक से रिस्पेक्ट देंगे। अगर ये लोग जाते हैं तो लोग इनकी मदद बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है, कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं चाहेगा कि वो गरीबी में जिए, है ना, पावर्टी किसी को नहीं पसंद। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कहे कि हाँ मैं तो गरीबी में खुश हूँ। तो सारे हमारे इंडिया में जो गरीब लोग हैं, दे आर सफरिंग, ओके। इनफैक्ट मैंने आपको लेक्चर के बिगिनिंग में बताया कि ऐसा नहीं है कि हमें रिसेंटली एक दो साल में हम अचानक से उठे और हमने कहा कि गरीबी बहुत हो रही है इंडिया में, हटा देते हैं, नहीं। बहुत साल पहले ही, ठीक है, जब हम लोग इंडिपेंडेंस की बात करते थे, तब से हमें पता है कि हाँ इंडिया में गरीबी एक दिक्कत है।
ठीक है। सो हम बहुत साल पहले से ही ये चीज कहते आ रहे हैं कि गरीबी इंडिया में दिक्कत है। सो गांधी जी हमेशा कहते थे, मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग सुनो, इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, क्या मतलब है इसका? गांधी जी हमेशा कहते थे कि असली आजादी तो इंडिया में तब आएगी जब इंडिया में गरीब से गरीब इंसान कह दे ये कि मेरी भी सुनी जा रही है इंडिया में, मेरे लिए भी कुछ हो रहा है इंडिया में। ठीक है, तो असली आजादी, ट्रू इंडिपेंडेंस तब आएगा जब इंडिया में गरीब से गरीब इंसान, पुअरेस्ट ऑफ आर पीपल, ठीक है, उनको लगे कि हमें आजादी मिल गई है, हमारी सफरिंग्स खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये गांधी जी ने हमसे कहा था। चलो नेक्स्ट टॉपिक है पावर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। हमारे सोशल साइंटिस्ट का क्या कहना है पावर्टी को लेके? अब आगे बढ़ने से पहले सोशल साइंटिस्ट क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको नाम से समझ आ रहा होगा, साइंटिस्ट हमें पता है कौन होते हैं। सोशल साइंटिस्ट मतलब एक ऐसे इंसान जिन्होंने सोशल साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है। मान लो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनको, या पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत कुछ उन्हें पता है, तो ऐसे इंसान को हम सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, सो सोशल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कहा है कि गरीबी के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, गरीबी पता लगाने के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि आप किसी की इनकम देख लो, किसी की सैलरी देख लो, आपको पता चल जाएगा वो अमीर है या गरीब है। किसी का कंजम्पशन देख लो, ठीक है, कंजम्पशन का यहाँ पे मतलब है कि वो डे टू डे लाइफ में क्या क्या खरीदते हैं। ठीक है, इसमें ये भी आ जाता है कि एक इंसान एक दिन में कितना खाना खाता है, कितने कैलोरीज को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखकर भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान अमीर है या गरीब है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि एक इंसान रिच है या फिर पुअर है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़े कुछ मैं इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जैसे कि इलिटरेसी लेवल। अक्सर क्या होता है, जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी होती वो लोग ज़्यादा पुअर होते हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रखी तो ज़्यादा जल्दी जॉब नहीं मिलती, तो ये लोग कंपैरेटिवली पुअर होते हैं। नेक्स्ट, मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे लोग जो पुअर होते हैं वो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनकी बॉडी वीक होती है। ठीक है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हॉस्पिटल में खर्चा करते करते ही उनके सारे पैसे, ठीक है, कम हो जाते हैं। तो मैल न्यूट्रिशन भी और लैक ऑफ हेल्थ केयर, ये भी पावर्टी से रिलेटेड है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अगर कोई बेरोजगार है, तो ऑब्वियसली उनके गरीब होने के चांसेस अगेन बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप सोचो, अगर कोई इंसान गरीब है, कोई इंसान पुअर है, तो उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी तक नहीं मिलता है पीने को। ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं मिलती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स पुअर लोग अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं किसके? पावर्टी के, गरीबी के ये इंडिकेटर्स हैं। साथ ही साथ हम गरीबी के बारे में पता और कैसे पता लगा सकते हैं? सोशल एक्सक्लूजन के बारे में समझ के और वल्नरेबिलिटी के बारे में समझ के। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के बारे में समझ के। तो पहला टॉपिक है हमारा सोशल एक्सक्लूजन, इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे इन जनरल सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है? सोशल एक्सक्लूजन मतलब कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम कहीं पे फिट इन नहीं करते, है ना, कुछ लोग हमें वेलकम नहीं कर रहे हैं, हम उस ग्रुप के पार्ट नहीं हैं। इसी फीलिंग को कहीं ना कहीं हम लोग सोशल एक्सक्लूजन के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है, सोसाइटी के सारे लोग साथ में मिलके रह रहे हैं, पर वो किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि तुम दूर रहो। ठीक है, तुम्हें हम अपने सोसाइटी का पार्ट नहीं बनाना चाहते, इसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, एक्सक्लूड करना मतलब किसी को ग्रुप के बाहर फील कराना। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है, आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत सुन के लग भी रहा होगा कि मैम हमने ये अपने हिस्ट्री में किया है। ठीक है, हमने कैसे करा, हमने कास्टिज्म को फॉलो करा जो कि बहुत गलत था, है ना, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा करी है। आपको पता है कि हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट करा है। तो ये सारी चीज़ें सोशल एक्सक्लूजन में आ जाती है।
तो जब हम लोग, ठीक है, नॉर्मल लोग जिनको कभी ये सब फेस नहीं करना पड़ा, जिसको कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा, जब वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग आगे कैसे बढ़े, डेवलपमेंट कैसे करें, तो उस टाइम पे लोअर कास्ट के लोग पता है क्या सोच रहे थे, कि हम लोग इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कैसे उठें। ठीक है, तो उनके लिए डेवलपमेंट के लिए सोचना तो बहुत दूर की बात थी। वो लोग तब सोचते थे कि हमको हक कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है हिस्ट्री में हमने कुछ कम्युनिटीज़ को थोड़ा एक्सक्लूड करा है, ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द ग्रुप फील कराया है, एंड उस वजह से वो जो कम्युनिटीज़ हैं वो लोग रेस में थोड़ा पीछे रह गए, एंड उन कम्युनिटीज़ में हम देखते हैं पावर्टी ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है, तो इन सब में पावर्टी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सेपरेशन फेस करना पड़ा है अपने हिस्ट्री में, जिस वजह से पावर्टी इनके फैमिलीज में थोड़ा ज़्यादा आ गया है। ठीक है, अब इसी चीज़ को वल्नरेबिलिटी के साथ थोड़ा लिंक करके देखो। ठीक है, वल्नरेबिलिटी वर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश के वल्नरेबिलिटी की बात करूँ, तो हमने ये न्यूज़ वगैरह में भी सुना है कोविड के टाइम पे, है ना। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो अगेन दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, इसमें से जो ए है ये बहुत एक यंग लड़की है, बहुत यंग है, स्ट्रांग है, रिच फैमिली से है, तो अच्छा खाना वगैरह खाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये बी जो इंसान है ये बहुत ही ओल्ड मैन है, 75-80 के अराउंड एज है, एंड ये बहुत वेल टू डू फैमिली को बिलोंग नहीं करते, थोड़े से पुअर हैं, तो बहुत हेल्दी खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो एक इंसान है सी, और इस इंसान को हो रखा है कोविड, ठीक है, और ये इंसान ए से भी बात करने गया, बी से भी बात करने गया, आपके हिसाब से इनमें से किसको कोविड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, कौन ज़्यादा वल्नरेबल है, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पर राइट आंसर इसका ये है कि बी को कोविड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे में हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, कि बी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो इसी चीज़ को आप SST के साथ, सोशल साइंस के साथ लिंक करके देखो। अगर दो तीन कम्युनिटीज़ हैं और उस कम्युनिटी में से, उन तीनों कम्युनिटी में से अगर किसी एक कम्युनिटी के ज़्यादा चांसेस हैं गरीब रहने के, तो हम कहते हैं कि ये कम्युनिटी वल्नरेबल है। जैसा कि हमने डिस्कस करा अभी कि जो SC हैं, ST हैं, ठीक है, और बैकवर्ड OBCs हैं, इनको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया। जब बाकी सारी कंट्री पढ़ रही थी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग बेचारे अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये वल्नरेबल है, एंड इनको बाकी सब की तरह अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं है, तो इन कम्युनिटीज़ में हम देखते हैं गरीबी थोड़ी ज़्यादा है। ओके, चलो, तो सोशल एक्सक्लूजन हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया। वल्नरेबिलिटी को अब हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं। तो हमने क्या करा, हर एक कैटेगरी में से, अलग अलग कम्युनिटी में से 100 लोगों को रैंडमली उठाया, 100 पीपल को रैंडमली उठाया, और हमने देखा 100 में से कितने ऐसे लोग हैं उस कम्युनिटी में जो कि पुअर हैं। तो पहली कम्युनिटी है शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, हम लोग गाँव में गए, रूरल इंडिया में गए, और हमने कुछ शेड्यूल ट्राइब को उठाया। तो 100 में से 45.3 ऐसे लोग थे जिनमें गरीबी थी। नेक्स्ट, हम लोग अगेन रूरल इंडिया में गए, हमने शेड्यूल कास्ट के कुछ लोगों को देखा, एंड हमने देखा 100 में से 31.5 ऐसे लोग थे जिनमें गरीबी थी, जो गरीब थे। नेक्स्ट, अगर हम पूरे इंडिया में पावर्टी रेशियो निकालें, पूरे इंडिया के लोगों का एक एवरेज निकालें, तो पूरे इंडिया में 21.9% हमने देखा हाँ गरीबी है। नेक्स्ट, अगर हम एग्रीकल्चर लेबरर्स को देखें, तो 100 में से 39.8 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ हम लोग गरीबी को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, कैजुअल लेबरर्स को देखें, तो 100 में से 32.9% ऐसे लोग हैं जो गरीबी को, पावर्टी को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ से आप बच्चों को एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग पावर्टी को फेस कर रहे हैं, और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अच्छा, शेड्यूल ट्राइब्स में गरीबी सबसे ज़्यादा है ना। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा, ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, गरीबी को मेजर करने के लिए, पावर्टी को मेजर करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया, जिसको हम कहते हैं पावर्टी लाइन, या फिर गरीबी रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो पावर्टी लाइन क्या है, हमने एक मिनिमम सैलरी सेट कर दी,
ठीक है, कि कम से कम एक इंसान को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि कम से कम एक इंसान को इस शहर में सर्वाइव करने के लिए महीने में ₹2,400 कमाने चाहिए, ठीक है। अगर वो इससे कम अमाउंट कमा रहा है तो वो गरीब है, अगर वो इससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो ये जो मेजर है कि कम से कम ₹2,400 उसे कमाना चाहिए, ठीक है, इस मेजर को हम कहते हैं गरीबी रेखा, पावर्टी लाइन। ओके, सो ये आप लोग याद रखना। अगेन पावर्टी लाइन का जो नंबर है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको ₹2,400 दिया, तो ये हर एक एरिया में पावर्टी लाइन का ये जो लिमिट होता है ये अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक शहर में, हर एक गांव में खर्चा, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी अलग होती है। तो इसीलिए पावर्टी लाइन का मेजर भी हर जगह अलग होता है। अगर मैं आपको इसे थोड़ा कंट्रीज के एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँ, तो इंडिया में अगर मान लो कोई एक फैमिली है, उनके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो हम उनको गरीब नहीं मानते। हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, नॉर्मल बात है, ठीक है, गाड़ी नहीं है तो क्या हो गया। पर इसी चीज़ को आप यूएसए के साथ रिलेट करके देखो, यूएसए में अगर कोई फैमिली है और उनके पास गाड़ी नहीं है तो यूएसए में उन लोगों को गरीब माना जाएगा। तो जैसे इंडिया में और यूएसए में गरीबी का मतलब अलग है, वैसे ही इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग विलेजेस में, सिटीज़ में गरीबी का मतलब अलग है। तो हर जगह ये नंबर आपको बदलता हुआ दिखेगा। ओके, चलो, तो हर 5 साल में हम लोग इस नंबर को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर 5 साल में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो हर 5 साल में हम लोग रिसर्च करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पावर्टी लाइन को चेंज करते रहते हैं। और ये काम किसका होता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO का काम होता है एवरी 5 ईयर्स में पावर्टी लाइन को अपडेट करते रहना, ठीक है। तो अब आप बच्चों को क्या करना है, मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मिनिमम, ठीक है, ऑन एवरेज मिनिमम क्या है, मिनिमम पावर्टी लाइन में अमाउंट क्या है, सैलरी क्या है जो कि शहरों में होनी चाहिए, और विलेजेस का अलग अमाउंट है, विलेजेस का भी मिनिमम क्या अमाउंट है, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं देखती हूँ आप बच्चों के कमेंट्स, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, किस किस को आंसर पता है। चलो, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर्टी रेशियो की, ठीक है, और नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस की, ठीक है। तो ये एक डेटा है, हमने 2013 और 14 में इस पूरे डेटा को कलेक्ट करा और हमने अलग अलग ईयर्स में देखा कि गरीबी कैसी चल रही थी इंडिया में। तो हमने देखा 1993 से लेके 1994 में, गांव के एरिया की बात करें तो 50% पावर्टी रेशियो था, शहरों की बात करें तो 31% पावर्टी रेशियो था। मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, आप लोग इन डिटेल इस टेबल को देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि मेन कंक्लूजन क्या निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी ईयर में 1993 से 1994 में क्या हुआ, रूरल एरिया में 8.6 लोग पुअर थे, मिलियंस में चल रहा है ये नंबर, और अर्बन में 74.5, ठीक है। 1993 में हमने देखा गरीबी बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने 2004 का डेटा निकाला, ठीक है, 2004 में हमने क्या देखा कि गरीबी कम हो गई है। पहले तो 50 था ना, अब 41 हो गया, अर्बन में भी पहले 31 था, अब 25 हो गया। तो हमें लगा चलो ठीक है। फिर हमने क्या करा, 2011 से लेके 12 का डेटा निकाला और हमने अगेन सेम ट्रेंड नोटिस करा कि गरीबी कम हो रही है। पहले 41.8 था, फिर 25.7 हो गया, पहले 25 था अर्बन एरियाज में, फिर 13.7 हो गया। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस डेटा से, ये कि हाँ गरीबी कम हो रही है, ठीक है। 1993 में देखो 50% तक चल रहा था, 2011 तक आते आते इट्स ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है, 25.7 तक पहुंच गया ये। तो इसका क्या मतलब है कि हाँ गरीबी जो है ये कम हो रही है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर, है ना, ये तो बढ़िया बात है, गरीबी कम हो रही है। तो अब आपको लगेगा कि मैम अगर गरीबी कम हो रही है तो आपको ये चैप्टर लगाने की ज़रूरत क्या थी, गरीबी अगर खुद कम हो रही है तो बढ़िया है, ऐसे ही धीरे धीरे गरीबी कम हो जाएगी। पर इसमें दिक्कत यह है बेटा कि गरीबी कम हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट जितनी जल्दी हम उसे कम करना चाहते हैं उतनी जल्दी गरीबी नहीं कम हो रही है, ठीक है। तो जिस स्पीड के साथ हम लोग गरीबी को, पावर्टी को रिड्यूस करना चाहते हैं, उस स्पीड से पावर्टी रिड्यूस नहीं हो रहा है। पर हाँ, ओवर टाइम नो डाउट हमें डेटा देख के पता चल रहा है कि गरीबी कम हो रही है, ठीक है।
चलो तो अब इसमें हम लोग शेड्यूल ट्राइब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा इशू है। क्या इशू है? अभी हमने देखा पीछे कि गरीबी कम होती आ रही है ना, ओवर टाइम गरीबी कम हो रही है। तो ये चीज़ हमने शेड्यूल कास्ट के साथ भी देखा, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स के साथ भी देखा, अर्बन कैजुअल लेबर्स के साथ भी देखा कि हर एक कम्युनिटी में धीरे धीरे गरीबी कम हो रही है, पर शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं इनके कम्युनिटी में गरीबी कम नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत कम तरीके से गरीबी कम हो रही है शेड्यूल ट्राइब्स में, एंड इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो हम लोग कंसर्न हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि शेड्यूल ट्राइब्स में हम लोग गरीबी को ज़्यादा कम नहीं कर पा रहे। ओके, चलो नेक्स्ट हमें ये समझना है कि जब हम लोग गरीबी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि पूरे इंडिया में सेम टाइप की गरीबी चल रही होगी, है ना। मैम ने कहा कि गरीबी ज़्यादा है तो पूरे इंडिया में सेम टाइप की गरीबी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट्स में गरीबी का मतलब अलग अलग है। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, ऑन दी अदर हैंड देर आर ऑल्सो फ्यू स्टेट्स जहाँ पे गरीबी बहुत कम चल रही है। ठीक है, तो उन स्टेट्स को देख लेते हैं एक बार। तो बिहार और उड़ीसा में पावर्टी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो ये 2013 से लेके 14 का डेटा है। तो अगर आप लोग एकदम अप टू डेट डेटा को देखोगे तो या तो उड़ीसा आगे होगा, ठीक है, या फिर कुछ साल के बाद बिहार आगे आ जाता है। मतलब इन्हीं दो स्टेट्स के बीच में रहता है पावर्टी सबसे ज़्यादा। ठीक है, सो कुछ बुक्स में आप देखोगे बिहार लिखा होगा, कुछ में उड़ीसा लिखा होगा, उसके बाद आसाम में, मध्य प्रदेश में, यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में। ऑल इंडिया अगर हम एवरेज निकालें तो 22% है। उसके बाद अगर हम थोड़ा यहाँ जाएं कर्नाटका, यहाँ पे कर्नाटका में कंपैरेटिवली कम है। वेस्ट बंगाल में भी देखो कम है। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब अब ये ग्राफ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर भी कम है। तमिलनाडु में और भी कम है। ठीक है, हरियाणा में और कम है, आंध्र प्रदेश में भी कम है। ठीक है, बाकी स्टेट्स भी मैं मार्क कर देती हूँ, देख लो यहाँ पे पंजाब, हिमाचल, केरला, इन सारे स्टेट्स में गरीबी कम है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्लास में क्या होता है, मान लो क्लास में कोई टॉपर है, ठीक है, बहुत बढ़िया कोई बच्चा पढ़ रहा है या पढ़ रही है, एंड वो जो बच्ची है हमेशा फुल मार्क्स लाती है एसएसटी में। तो आप क्या करोगे, आप उस बच्ची से जाके या बच्चे से जाके बात करोगे कि आप मुझे भी बता दो ऐसा क्या कर रहे हो, मैं भी उसी तरीके से पढ़ाई किया करूँगी, है ना। तो सेम कुछ सिचुएशन हमारे स्टेट्स के साथ है। अगर हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी कम है तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। हम सीख सकते हैं कि केरला के लोग या फिर हिमाचल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे गरीबी कम है। एंड ऑफ कोर्स पता लगाने के बाद हम बाकी स्टेट्स में भी कम से कम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे गरीबी कम चल क्यों रही है, तो वो हम थोड़ा ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में भी जैसे गरीबी कम ही है, ठीक ठाक है। सो अगर वेस्ट बंगाल की बात करी जाए, वेस्ट बंगाल के लोगों ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स मेजर को स्टार्ट करा, तब जाके वहाँ पे गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, ठीक है, हरियाणा और पंजाब में क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब हमें पता है कि इन दो स्टेट्स में फार्मिंग, खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो इन लोगों ने फार्मिंग के ऊपर, खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा। एंड जहाँ पर भी उनकी गरीबी बढ़ रही थी उन्होंने एग्रीकल्चर के थ्रू वो गैप फिल कर दिया। तो इन्होंने क्या करा, पंजाब और हरियाणा ने क्या करा, बहुत बढ़िया खेती करी, एग्रीकल्चर किया एंड पावर्टी को इन्होंने कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट और कौन से स्टेट्स बच गए, हाँ चलो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में बहुत ही बढ़िया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हर एक स्टेट में जैसे राशन शॉप्स होते हैं जहाँ पे हम जाके सस्ते में फूड ग्रेन्स को खरीद सकते हैं, पर काफ़ी स्टेट्स में ऐसा होता है कि हमें सस्ते में सामान तो मिल जाता है पर वो जो सामान होता है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं होता। पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में बहुत कम रेट में बहुत बढ़िया क्वालिटी का सामान बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। तो इस कारण से वहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज मिलने लग गई बहुत कम रेट में, तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे गरीबी कम होने लग गई। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं केरला की। अगेन कुछ
डेटा में आप देखोगे कि गोवा में गरीबी ज्यादा है, कहाँ कुछ एरियाज में देखोगे आप, कुछ बुक्स में देखोगे, कुछ डेटा में देखोगे केरला में गरीबी सबसे कम है। तो गोवा एंड केरला में ही चलता रहता है कि गरीबी सबसे कम है। तो केरला में गरीबी कम होने का क्या कारण है? केरला की गवर्नमेंट ने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत खर्चा करा है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि केरला में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, क्योंकि केरला की गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर उतना खर्चा करती है। ठीक है, तो जब इनके लोगों ने गवर्नमेंट ने लोगों के हेल्थ के ऊपर, स्कूल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना स्टार्ट करा, केरला की गवर्नमेंट ने देखा कि गरीबी ऑटोमेटिकली कम होने लग गई। ओके, सो ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से हम देखते हैं कि इन स्टेट्स ने गरीबी को कम कर लिया है, रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, तो ये तो हमने अपने आपस में अपने स्टेट्स में देखा। अब हम ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो को देख लेते हैं। ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनमें ज़रा हम पावर्टी को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, ठीक है, कि अगर एक इंसान $1.25 पर डे, ठीक है, इससे कम कमा रहा है तो वो इंसान गरीब है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये स्टैंडर्ड सेट करा है। हमारे इंडिया के स्टेट्स के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, पर इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक का स्टैंडर्ड ये है कि लिविंग ऑन लेस दैन $1.25 पर डे, कि अगर आप डॉलर $1.25 पर डे से कम खर्चा कर रहे हो, कम कमा रहे हो, तो ऐसे में क्या है, वो इंसान गरीब है। सो ये वर्ल्ड बैंक ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड निकाला है। एंड अगेन हम लोग देखते हैं कि अलग अलग एरियाज में, जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में गरीबी अलग अलग टाइप की है, तो वर्ल्ड में भी अलग अलग कंट्रीज में गरीबी अलग अलग टाइप की है। ठीक है, तो जैसे अगर हम चाइना की बात करें, ठीक है, और एशिया में भी साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, ठीक है, इनफैक्ट अगर इंडिया की भी बात करें तो हाँ, यहाँ पे गरीबी कम हो रही है। हमने अभी डेटा भी देखा कि इंडिया में तो ओवर टाइम गरीबी कम हुई है, विच इज अ गुड थिंग। चाइना में भी गरीबी कम हुई है, पर कुछ ज्यादा ही जल्दी कम हो गई है। ठीक है, तो चाइना ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इतना ध्यान दिया कि चाइना में गरीबी बहुत जल्दी कम होने लग गई। ठीक है, बाकी अगर हम कंट्रीज़ को देखें, एशिया के ही कुछ कंट्रीज़ को देखें, अपना इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यहाँ पर भी गरीबी कम हुई है, पर चाइना जितनी उतने फास्ट रेट में गरीबी कम नहीं हुई है। ओके, चलो, तो अब आपको लग रहा होगा कि मे बी हर एक कंट्रीज़ में ऐसा ही हो रहा है कि गरीबी कम हो जाती होगी ओवर टाइम, तो ऐसा भी नहीं है। अब ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सब सहारन अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर्टी इनफैक्ट बढ़ने लगा है। ठीक है, कम नहीं हुआ, यहाँ पे तो गरीबी बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे गरीबी कॉन्स्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है, तो अगेन अलग अलग एरियाज में इससे हमें क्या पता चल रहा है, एशिया में कम हो रहा है, ठीक है, सब सहारन अफ्रीका में बढ़ रहा है, लैटिन अमेरिका में कांस्टेंट है, तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज में गरीबी अलग अलग तरीके से हमें दिखती है। ठीक है, तो हम इस टेबल को ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.25 अ डे, मतलब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि पुअर चल रहे हैं, ये 2014 का डेटा है बेटा। ठीक है, तो नाइजीरिया में 62% लोग गरीब हैं, बांग्लादेश में 43, ठीक है, इंडिया में 25, ठीक है, अपने इंडिया का देख लो 25, एंड पाकिस्तान में 13, उसके बाद चाइना में तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सो चाइना में 6%, ब्राज़ील में 5, इंडोनेशिया में 16, श्रीलंका में 4। ओके, सो ये परसेंटेज है, इससे मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में गरीबी अलग अलग तरीके से रिड्यूस हो रही है। ओके, चलो, तो हमने गरीबी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब मैं आप बच्चों को ये बताऊंगी कि गरीबी का कारण क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पावर्टी। हम लोग इतना कुछ पढ़ चुके हैं गरीबी के बारे में, पर कारण क्या है जिसके वजह से इंडिया में गरीबी है, ज्यादा है। ठीक है, तो उन कॉजेस के बारे में, उन रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट वन क्या है बेटा, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर एक टाइम पीरियड पे कब्जा कर रखा था, अराउंड 200 इयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा करा है ना, और ब्रिटिशर्स के वजह से हम लोग बहुत पीछे हो गए बेटा। ठीक है, तो जितने भी टाइम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल करा,
अगर नॉर्मली कोई कंट्री हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर रही होती तो हम लोग बिजनेस के ऊपर ध्यान देते, हम लोग भी और ट्रेड करने की कोशिश करते, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते। पर ब्रिटिशर्स के आने की वजह से क्या हुआ, कुछ अराउंड 200 ईयर्स तक तो हम लोग ब्रिटिशर्स को भगाने में हमने अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दिया। तो जब बाकी सारी कंट्रीज डेवलप हो रही थी, हम लोग बेसिक हक के लिए लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से। तो एक कारण ये है कि ब्रिटिशर्स के आ जाने की वजह से हम लोग रेस में बहुत पीछे रह गए और इस वजह से गरीबी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एक वन मेजर रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स ने कब्जा करा और हमें बहुत परेशान करा। नेक्स्ट रीज़न क्या है जिसकी वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पावर्टी को हम देखते हैं इंडिया में, वो है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। तो अगर हम लोग गरीबी को कम करने के लिए अलग अलग मेजर्स भी लाते हैं तो हमें एक चैलेंज, अलग चैलेंज फेस करना पड़ता है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं इतने में। अगर मतलब अगर हम लोग इतने साल तक मेहनत कर रहे होते पावर्टी को कम करने के लिए और लोग कम होते तो हम लोग काफ़ी आगे पहुंच चुके होते, पर इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमें एक चैलेंज लग रहा है कि कैसे गरीबी को हम लोग और कम करें, ठीक है। चलो तो अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं एंटी पावर्टी मेजर्स, ठीक है। हमने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गरीबी को कम करने के लिए। तो गवर्नमेंट को भी पता है, ठीक है, ये कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ करना पड़ेगा गरीबी को कम करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या करने की कोशिश करी पावर्टी को कम करने के लिए, ये ज़रा हम जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। पॉइंट वन, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। गरीबी कम करने के दो तरीके होते हैं, एक आप अपने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से डेवलप करो, ठीक है। इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो लोगों की भी ग्रोथ होगी, लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट तरीका क्या होता है गरीबी को कम करने का, एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ, ऐसी पॉलिसीज बनाओ जो स्पेशली इस तरीके से बनाई गई है कि पावर्टी गरीबी को इंडिया में कम कर सके। तो ये दो मेजर तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग पावर्टी को कम करते हैं किसी भी कंट्री में, ओके। इंडिया में हमने अलग अलग स्कीम्स को भी, प्रोग्राम्स को भी, प्रोजेक्ट्स को भी स्टार्ट करा है गरीबी कम करने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम एक एक करके जो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मेजर एक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सारे जो भी आपको पॉलिसीज दे रखे हैं उनमें से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना अच्छे से, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा भी कहा जाता है इसको, 2005 में हमने ये स्टार्ट करा था। एम क्या है, इसका मकसद क्या है, टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में, ठीक है, जो गांव का एरिया है वहां पे कम से कम 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करना, कम से कम 100 दिनों के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना एंड सैलरी देना। इस चीज़ के लिए हमने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को स्टार्ट करा था 2005 में, ओके। एंड ये जो एक्ट है ना बेटा, इस एक्ट में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि डेवलपमेंट करो, पर डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि पॉइंट वन, एनवायरमेंट को डैमेज ना हो, और पॉइंट टू, हम लोग जो भी डेवलपमेंट करें उस डेवलपमेंट का बेनिफिट हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, ठीक है। तो इस एक्ट में हम लोग चीज़ों को इस तरीके से करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें देखने को मिले, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप इसमें देखोगे कि 1/3 जो भी जॉब्स हैं उनको हमने रिजर्व कर रखा है फॉर वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि SC ST के लिए भी हमने रिजर्व कर रखा है जॉब को, तो इस जॉब में हम लोग विमेन SC एंड ST कैटेगरी के लोगों को भी एंकरेज कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट योजना क्या है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट किया गया था। एम क्या है, मकसद क्या है इस योजना का, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर कोई एक इंसान खुद का बिजनेस करता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी के नीचे काम नहीं कर रहा है ना, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाता है इसमें, ठीक है। एंड रूरल एरियाज की बात हो रही है, ठीक है, जो रूरल एरियाज हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, वहाँ लोगों की हेल्प करी जाती है कि वो लोग
स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर पाएं और इंडस्ट्रीज भी खोल पाएं। ओके चलो, सो एक और हमने कर लिया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में REGP कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि REGP की फुल फॉर्म बताओ तो डरना नहीं है, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 1995 में स्टार्ट किया गया था। इसमें भी सेम कहा जाता है बेटा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में। अब आप इसमें ध्यान रखना, ठीक है, अभी आप ध्यान रखो कि मैंने अभी दो आपको योजनाएं बताई जिसमें सेम चीज़ कही जा रही है। इसमें भी हमने पढ़ा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को, यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को, ठीक है। अभी आगे जाके मैं बताती हूँ कि मैं क्यों इस फैक्ट को पॉइंट आउट कर रही हूँ। ओके नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY भी कहा जाता है। 1999 में हमने इस योजना को स्टार्ट करा था। इस योजना में क्या कहा जाता है कि जो असिस्टेड पुअर फैमिलीज़ हैं उनको पावर्टी लाइन के ऊपर लाना है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं हम उनकी हेल्प करेंगे ताकि हम उन्हें गरीबी रेखा पावर्टी लाइन के थोड़ा ऊपर ला पाएं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना पाएं और धीरे धीरे खुद पावर्टी लाइन के ऊपर वो लोग आ पाएं। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में ये स्टार्ट किया गया था। इस योजना में क्या है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़े एडिशनल पैसे देती हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट गरीबी को कम कर पाए, ठीक है। कैसे कम कर पाए, हेल्थ प्रोवाइड करके, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करके, शेल्टर प्रोवाइड करके, अच्छा पीने के लिए पानी प्रोवाइड करके। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक एडिशनल हेल्प, एक्स्ट्रा हेल्प देती है कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप कुछ करो और गरीबी को कम करो अपने स्टेट में। पर हमने इतने सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ लिया पर हमें पता है कि ये स्कीम्स कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर रही हैं, ठीक है। अगर ये स्कीम्स बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होती तो आपके बुक में ये चैप्टर नहीं होता कि पावर्टी अब भी एक चैलेंज है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग फंस रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्कीम्स पे स्कीम्स बनाए जा रहे हैं बट दे आर नॉट वर्किंग, ठीक है। और क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं काम कर रही होंगी स्कीम्स? एक तो देखो, एक दिक्कत क्या है, हम लोग जोश जोश में स्कीम्स बना देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। कई बार होता है ना, एग्ज़ाम से पहले हम लोग जोश जोश में टाइम टेबल बना लेते हैं कि रोज़ 6-6 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करेंगे, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, पर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, है ना, होता है। सो सेम हमारी गवर्नमेंट के साथ भी हो जाता है, गवर्नमेंट जोश जोश में स्कीम्स बना लेती हैं पर उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट, देर आर लॉट ऑफ ओवरलैपिंग स्कीम्स। इसका क्या मतलब है, मैंने पॉइंट आउट करा था ना कि देखो बच्चों, दो स्कीम्स हैं जिसमें सेम चीज़ लिखी है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, कि हमने 2-3 स्कीम्स बना दी और 2-3 स्कीम्स में सेम चीज़ें कही जा रही है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स, हमें क्या करना चाहिए, एक ही कोई बढ़िया सा स्कीम बना दो जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, है ना। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं पर हो नहीं रहा, हमारे सारे स्कीम्स में कहीं ना कहीं सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से डिस्पाइट गुड इंटेंशंस, हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, हम सही में गरीबी को कम करना चाहते हैं, बट हमसे हो नहीं रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रह गई, हम लोग स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, मॉनिटर नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट अच्छे से स्कीम्स को बना भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो चैलेंजेस अहेड क्या है हमारे लिए, ठीक है, फ्यूचर में जब हम लोग गरीबी को कम करने की बात करते हैं तो हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं। हमने ना अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली है कि गरीबी का मतलब है सिर्फ पैसा, ठीक है, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो गरीब है, नहीं। हमें जब भी हम लोग गरीबी की बात करते हैं इस चैप्टर से, अगर आपको एक चीज़ सीखते हो तो ये याद रखना कि जब भी हम गरीबी की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स एजुकेशन, क्या वो इंसान पढ़ा लिखा है, क्या वो स्कूल जा पा रहा है, शेल्टर, क्या उनके पास घर है, ठीक है, क्या उनके पास बेसिक हेल्थ केयर है, क्या उनके पास जॉब सिक्योरिटी है, क्या उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब हमने डिस्कस करा था ना कि जनरली जो पुअर लोग होते हैं उनके अंदर एक हेल्पलेसनेस होता है कि हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, तो क्या उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं सोसाइटी मेरे साइड है, मुझे प्रमोट करेगी सोसाइटी, ठीक है। तो जब भी हम लोग गरीबी की बात करते हैं तो हमें इन सारे पॉइंट्स के बारे में भी सोचना है क्योंकि गरीबी जो है इट्स अ मूविंग टारगेट, ठीक है, पावर्टी इज अ मूविंग टारगेट, है ना। हम लोग कभी एक फिक्स्ड नंबर नहीं निकाल सकते कि इस तरीके से गरीबी को कम करना है क्योंकि गरीबी का रेट, लेवल सब कुछ हमेशा चेंज होता रहता है,
मार्केट थोड़ी सी चेंज हुई, इकोनॉमिक्स कंट्री की थोड़ी सी चेंज हुई और सब कुछ बदल जाता है। तो पावर्टी जब एक मूविंग टारगेट है तो हमारा सॉल्यूशन भी कुछ मूविंग होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक स्कीम बना दे और कॉन्स्टेंटली उसी स्कीम को फॉलो किए जा रहे हैं। हमारी स्कीम में भी कोई इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है, कोई चेंज होना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तभी हम लोग पावर्टी को, गरीबी को कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। ओके, चलो, तो आज के क्लास में हमने इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में और अच्छे से समझ लिया है। आई होप आप बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही फ्यूचर क्लासेस में हम लोग मिलते रहेंगे और सोशल साइंस के अलग अलग चैप्टर्स को इजी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में हमारे सोशल साइंस का कौन से चैप्टर का वन शॉट रिविजन चाहिए। ओके, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने फ्यूचर लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।